हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच किसान भी लगातार परेशान नजर आए और किसानों का मुद्दा लगातार विपक्ष को सरकार को घेरने में सहारा देता नजर आया। इसी बीच कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्षा और तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। किरण चौधरी ने कहा है कि बीजेपी सरकार किसानों के मुद्दे पर अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। किरण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को अपनी फसल की पेमेंट का इंतजार करना पड़ा और जब विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाया तब कहीं जाकर किसानों की पेमेंट हुई। उन्होंने सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर जमकर हमले किए और कहा कि सीएम साहब ये योजना लेकर आए हैं लेकिन दक्षिण हरियाणा में तो लोग पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर गठबंधन सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार किसानों की हितेशी सरकार नहीं है। घंटे सीएम साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी अपने की सफाई, सच्चाई ये है कि धरातल के ऊपर किसान पूरी तरह से त्रस्त हैं। ये पहली बार हुआ है कि किसान को इतना लंबा समय इंतजार करना पड़ा अपनी पेमेंट के लिए और नतीजा ये हुआ कि आज वो कर्जदार हो गया है क्योंकि उसकी अगली बिजाई के लिए उसको जो है कर्जा लेना था। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसानों को सरकार धान नहीं लगाने के लिए कह तो ज़रूर रही है और कह रहे हैं 7,000 रुपये प्रति एकड़ जो है धान नहीं लगाने के लिए देंगे, लेकिन इससे क्या होगा। हम मांग करते हैं कि कम से कम 25,000 रुपये जो है सरकार प्रति एकड़ किसानों को दे। सच्चाई ये है कि आप जो हैं बहुत सारी योजनाएं आपने बनाई, किसान मित्र क्लब की बात जो है कही, अब हम जानना चाहते हैं किसान मित्र क्लब है क्या, इसके अंदर क्या करेंगे किसान, सरकार उनको वेतन देगी क्या करेगी, किस तरह से योजना बनेगी, इससे किसान को क्या फायदा होगा। धान नहीं लगाने के लिए कह तो जरूर रही है और कह रहे हैं 7,000 रुपये प्रति एकड़ जो है धान नहीं लगाने के लिए देंगे, लेकिन इससे क्या होगा। हम मांग करते हैं कि कम से कम 25,000